गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के भाई 53 डिवाइस के अंदर कोलेज फोटो सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हो। दैट मींस आपके पास एक ही फ्रेम होगा, उसके अंदर आप काफी सारे मल्टीपल फोटोज को ऐड करके आप जो है कोलेज फोटोज को बना सकते हैं। तो ये जो सेटिंग से आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, हालांकि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी मिल जाएंगी काफी सारी प्ले स्टोर के अंदर, अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेटिंग्स आपके फोन के अंदर है तो एब्सोल्युटली आप सेटिंग्स का ही यूज करेंगे। तो चलो हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको यूज करना है कोलेज फोटो सेटिंग्स का। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर हमारा डिवाइस है, इसे करने के लिए जस्ट आपको एल्बम सेटिंग्स को ओपन करना होगा। एल्बम भी हमारा यहीं पर आपको मिल जाएगा, इसको मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने एल्बम को क्लिक करा, हमारे पास पैटर्न लॉक लगा हुआ है, इसमें लॉक, तो हम इस पैटर्न को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद हमारा जो एल्बम है ये प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कोलेज फोटो कैसे क्रिएट करना। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा पिक्चर्स और एल्बम ऑल एल्बम्स का ऑप्शन है। हालांकि आपको यहाँ पर कैमरा पिक्चर्स के जस्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये कोलेज का ऑप्शन बना हुआ है, तो हम इसको जैसे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जितने भी आपके फोन के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे, जितने भी फोल्डर्स के अंदर आपके फोटोज इमेजेस होंगे, उस सब फोल्डर आपको शो कर जाएंगे। हालांकि आप कैमरा स्क्रीनशॉट कोलेज फोटो हमने ऑलरेडी क्रिएट करा है, पर्सनली मैं खुद ट्राई करता हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ ताकि आप जो है कोई दिक्कत ना फेस करें इसे यूज करने के लिए। अब हम यहाँ पर कोलेज फोटो को कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहां से हम उस इसके अंदर पिक्चर्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, हालांकि इसमें हम 5 पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा पिक्चर यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे, तो 5 पिक्चर का हम यहाँ पर कोलेज फोटो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कोलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो फोटो है प्रॉपरली कोलेज फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप ऐसे कोलेज फोटो बना सकते हैं। इसके अंदर आपको काफी सारे फ्रेम मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 फ्रेम है जिसको आप यूज कर सकते हो कोलेज फोटो के लिए। जैसे मैं इस फ्रेम को अगर सेलेक्ट करता हूं तो हमारे जो इमेजेस है इस फॉर्म में हो जाएगी, एंड इस वाले इमेज को सेलेक्ट करता हूं तो इस वाले फॉर्म में इमेजेस हमारी क्रिएट हो जाएंगी। हालांकि इसके फ्रेम जो है काफी अच्छे होते हैं, तो आप इसका ट्राई कर सकते हो अपने फोन के अंदर। पोस्टर्स का ऑप्शन है, इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट पोस्टर्स आते हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। पोस्टर्स के अंदर भी आपको अराउंड 5-6-7 तक आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे। जो पोस्टर आपको अच्छा लगे आप उसमें जस्ट क्लिक करिए, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कोई लगाना है तो यहाँ पर आई एम हियर है, यहाँ पर टेक्स्ट मे भी साथ इसमें क्लिक नहीं हो रहा, एक बार ट्राई करते दोबारा। हाँ, टेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, देख सकते हो जो लिखा है ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर थैंक यू, उसके नीचे जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पर एडिटेबल बना सकते हो। लाइक यहाँ पर एडिट करके उसमें और भी कुछ लिख सकते हो, तो एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर अपना नाम अगर मैं ट्राई करूं तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास विजय लिखा हुआ आ रहा है, तो हम ऐसे भी करके इस पोस्टर को लगा सकते हैं, इसके बाद सेव कर देंगे तो ये प्रॉपर पोस्टर हमारे पास सेव हो जाएगा। हालांकि यहाँ और भी इसके अंदर आपको पजल का एक ऑप्शन मिलता है, पजल वाले ऑप्शन का हम आपको दिखाते हैं। कोलेज फोटो पे क्लिक करेंगे अगेन, इसके बाद फिर से कैमरा, हम 2-3 फोटो को ऐड कर लेते हैं, इसके बाद कोलेज, इसके बाद पजल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पजल के अंदर भी आपको कुछ बाय डिफॉल्ट मिलते हैं टेम्पलेट, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। जहां मिस यू लिखा आप इसमें क्लिक करके इसको भी एडिटेबल टेक्स्ट है, इसको भी एडिट आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है गाइस आप समझे होंगे कैसे कोलेज फोटो सेटिंग्स का यूज करते हैं व्यू के भाई 53 डिवाइस के अंदर। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है गाइस, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।